इस वक्त की बड़ी खबर की ज्ञानवापी विवाद पर न्यूज नेशन सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको दिखाएगा। न्यूज नेशन ने जो दिखाया था अपनी एक्सक्लूसिव खबर में कि एएसआई सर्वे ने इस पर मोहर लगा दी है, यानी 68 तस्वीरों के जरिए दिखाए ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत और मस्जिद से पहले मंदिर होने का प्रमाण भी आप देखिए, जो इस वक्त न्यूज नेशन पर आप देखेंगे, यानी भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित मिली है, भगवान कृष्ण की भी खंडित मूर्ति मिली है, हनुमान जी की भी मूर्ति मिली है, और ये तमाम सबूत इससे पहले भी एक्सक्लूसिवली आपने सिर्फ न्यूज नेशन पर देखे थे। और ये आप देखिए, एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई थी उसकी कॉपी दोनों पक्षों को दे दी गई, उसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी, लेकिन इसी बीच न्यूज नेशन एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहा है वो सबूत जिस पर एएसआई ने भी मोहर लगाई थी। ये वही तस्वीरें हैं, एक के बाद एक आप वो सारी तस्वीरें न्यूज नेशन पर देखेंगे जो ये बताता है कि एएसआई की जो रिपोर्ट है वो कितनी पुख्ता है। भगवान विष्णु की मूर्ति जो खंडित है, इसमें देखिए आप पत्थर पर भगवान विष्णु आपको नजर आएंगे, ये पत्थर की मूर्त है जो खंडित आपको नजर आ रही है। न्यूज नेशन ने एक्सक्लूसिवली इससे पहले भी ये सारे सबूत दिखाए थे जिस पर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में एक तरह से मोहर लग गई थी। और ना केवल सिर्फ ये एक सबूत है, कितने सबूत हैं, एक एक करके सारी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लेकिन इसके लिए चलेंगे मेरी सहयोगी रोमिता के पास। रोमिता, बिल्कुल, देखिए पयोधी, कई ऐसे सबूत हैं और ये सबूत न्यूज नेशन बीते दो दिनों से दिखा रहा है, जो चीख चीख कर इस बात की गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर मस्जिद से पहले मंदिर मौजूद थी। कौन से वो सबूत है, देखिए सिर्फ वही प्रतिमा यहाँ पर मिली है, इसके अलावा हार धोती जनेऊ से सज्जित चीजें यहाँ पर मिली है, भगवान कृष्ण की ये मूर्ति ये प्रमाणित करती हुई कि यहाँ पर पहले मंदिर ही मौजूद था, और ये इस बात को और ज्यादा पुख्ता करती है। सबसे बड़ा एक और सबूत आप देखें, सूर्य गणेश की आकृति यहां पर पाई गई है, मध्यकालीन पिलर जिसे आप इस वक्त अपनी तस्वीरों में देख रहे हैं, तीन स्तरों का प्राचीन स्तंभ भी यहां पर मिला है। यह स्तंभ इस वक्त आप देखें जिसमें तीन स्तर हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहां पर मंदिर मौजूद था। एक और सबूत, नंदी की आकृति यहाँ पर पाई गई है, गले में माला है, नंदी का अगला हिस्सा आपको इस आकृति में भी नजर आएगा। इसके अलावा देखिए अगले सबूत की तरफ बढ़ते हैं, खंडित चीजें यहाँ पर पाई गई हैं, लेकिन नंदी की आकृति के अलावा और कौन सी चीजें हैं ये हम आपको बताते हैं। ज्ञानवापी में मंदिर के कौन कौन से प्रमाण है इसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप न्यूज नेशन पर देख लीजिए। अगला सबूत देखिए, टेराकोटा से बनी हुई मूर्ति यहाँ पर पाई गई है, खंडित मूर्ति जिसे आप इस तस्वीर में इस वक्त देख रहे हैं, सिर विहीन कमर से टूटी हुई ये मूर्ति प्राप्त हुई है, जो ये बताती है कि यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे। ज्ञानवापी में मंदिर के कौन कौन से प्रमाण है एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, कई मूर्तियां मिली हैं, कई सिर विहीन आकृति यहाँ पर मिली है। इसके अलावा अगला सबूत आप देखिए, बलुआ पत्थर से बनी हुई यह खंडित यौनपट मिली है, जो इस बात को प्रमाणित करती है कि यहाँ पर मंदिर था लेकिन उसके बाद यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। सर्प की आकृति यहाँ पर अंकित दिखाई देती है, यानी कि जो सांप है उसकी आकृति यहाँ पर अंकित दिखाई देती है। अगला सबूत ज्ञानवापी में मंदिर के प्रमाण को और ज्यादा पुख्ता करता हुआ जो अगला सबूत है वो है, मोती से सजा हुआ ये बॉर्डर, देखिए ये मछली की आकृति इस वक्त आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, अलंकृत मछली जिसकी आकृति देख रहे हैं आप, मोतियों से सजी हुई है, धातु की खंडित आकृति यहां पर पाई गई है। ये तमाम एक एक सबूत है जो इस बात को लगातार प्रमाणित करते हुए कि यहां पर मंदिर मौजूद था, क्योंकि कई ग्रंथों में कई वेदों में इस बात के प्रमाण मिलते रहे कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हिंदू सभ्यता से ही जुड़ी हुई है। अगला सबूत ज्ञानवापी में मंदिर के प्रमाण से जो जुड़ा हुआ मिला है, जो इस बात को पुख्ता करता है कि यहाँ पर मंदिर है, वो भी हम आपको बताते हैं। गले में हार और फूलों की माला, यह आप महिला की मूर्ति इस वक्त देख रहे हैं, आप बहुत ध्यान से जब इसे देखेंगे तो आपको गले में यहाँ पर हार नजर आएगा, इसके अलावा आपको फूलों की माला भी नजर आएगी। खंडित मंच पर आसीन ये महिला की मूर्ति इस बात को प्रमाणित करती हुई कि यहाँ पर पहले मंदिर ही मौजूद
मौजूद था। ये तमाम सबूत है, एक एक करके हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें पाई गई हैं। पत्थर से बनी हुई ये मगरमच्छ की आकृति आप बहुत ध्यान से देखिए, ये मगरमच्छ की आकृति है, ध्यान से देखने पर आपको ये समझ में आएगा। खंडित पूंछ यहाँ पर आपको दिखाई देगी इस तस्वीर में, ये सिर तरफ का हिस्सा है और ये पूंछ तरफ का जो हिस्सा है खंडित है, यानी कि टूटा हुआ है, जो इस बात को प्रमाणित करता है। ये तमाम एक एक सबूत है जो मंदिर के अंदर मिले हैं, जो इस बात को और ज्यादा पुख्ता करते हुए कि यहाँ पर मंदिर था खंडित आभूषणों से सज्जित भगवान विष्णु की मूर्ति। ये सबसे बड़ा सबूत आप देखें, भगवान विष्णु की ये मूर्ति है जिसमें खंडित आभूषण है, यानी कि जो आभूषण भगवान विष्णु ने पहने हैं वो कहीं ना कहीं टूटे फूटे हैं। हाथ में गदा, शंख और चक्र भी इस आकृति में बहुत ध्यान से देखने पर आपको दिखाई देंगे। भगवान विष्णु की ये आकृति, ये मूर्ति भी इस बात को प्रमाणित करती हुई पयोधी नजर आ रही है और ये तमाम सबूत हम लगातार न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं। और इससे पहले भी ये तमाम एक्सक्लूसिव रिपोर्ट न्यूज नेशन ने ही दिखाई थी, जिस पर एएसआई ने अपनी मोहर लगाई है, यानी जो रिपोर्ट एएसआई की दी गई है उसमें ये तमाम सबूत हैं साक्ष्य के तौर पर। सुशांत मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, जब से ये फैसला आया है कोर्ट का और एएसआई की कॉपी दोनों पक्षों को दी गई है, आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज का दिन है, क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए माहौल दिखा देते हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से यहाँ पर व्यापक रूप से बढ़ा दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार ये ज्ञानवापी बिल्कुल हमारे सामने है, पर मीडिया को भी ज्ञानवापी से 300 मीटर के फासले पर रखा गया है। इसके साथ ही किसी भी तरीके की वाहन को चलने पर प्रतिबंध है, सिर्फ पैदल ही लोग वहाँ तक जा सकते हैं। इसके साथ ही अभी ज्ञानवापी मस्जिद जो बताई जाती है वहाँ पर आज जुमे की नमाज अदा की जा रही है और जुमे की नमाज में अमूमन 500 की संख्या रहती है, पर आज ये संख्या बढ़कर 762 से ऊपर पहुंच चुकी है। जैसे ही कल एएसआई की रिपोर्ट की बात सामने आई है उसके बाद आज जो जुमे की नमाज में जो संख्या है वो बढ़ गई है 762 से ऊपर। जो जुमे की नमाज अदा करने के लिए जो नमाजी हैं वो ज्ञानवापी के अंदर पहुँचे हैं और लगभग 2 बजे तक ये नमाज पूरी तरीके से हो जाती है, पर अभी तक नमाज पढ़ के जो नमाजी हैं वो बाहर नहीं निकले हैं। अमूमन 2 बजे के आसपास नमाजी बाहर निकल जाते हैं, तो माना जा रहा है कुछ देर बाद नमाजी बाहर निकलेंगे, पर आज संख्या जरूर नमाजियों की बढ़ गई है। अनुपम द्विवेदी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। अनुपम जी, सबसे बड़ी बात ये न्यूज नेशन जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, एएसआई के रिपोर्ट में ये पता होता है कि न्यूज नेशन के जो सबूत है उस पर मोहर लगा दी गई है। अब स्वयं भगवान तो आएंगे नहीं बताने के लिए कि मैं यहाँ पर प्रकट था, मैं यहाँ पर विराजमान था, सब कुछ तो सामने है। जी जी, देखिए ऐसा है ना कि ये अब जो है कोर्ट के सामने क्लियर डॉक्यूमेंट आ चुका है, ऑनरेबल कोर्ट के सामने चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब इस पर किसी प्रकार का वाद विवाद फर्दर होने का मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, चूंकि कानूनी प्रक्रिया है और हम सभी जो है वो भारत के कानून, भारत के संविधान से बंधे हुए हैं, तो हमको ट्रायल तो फेस करना ही है। और जहां तक इस कमीशन के कार्रवाई का सवाल है, ये देखिए अभी कमीशन की कार्रवाई का जो रिपोर्ट फाइल हुई है, मैं एज अ लीगल पर्सन बोल रहा हूँ, ये कमीशन की जो रिपोर्ट फाइल हुई है इस पर जो है एक आपत्ति आएगी अपोजिट पार्टी से, अगर वो लोग देते हैं तो उसके बाद इस पर आर्ग्यूमेंट होगा, डिस्पोजल होगा, तब ये डॉक्यूमेंट एज एन एविडेंस पढ़ा जाएगा। और वैसे भी लेकिन जो डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप अगर रामलला विराजमान का भी मुकदमा देखिए तो उसमें भी एएसआई की रिपोर्ट ही मील का पत्थर साबित हुई थी, और यहाँ भी क्योंकि देखिए हिस्टोरिकल मुकदमे, इसमें एएसआई के अलावा और बताने के लिए सक्षम कोई संस्था है ही नहीं, तो एएसआई ने इस पर मोहर लगा दी है, तो ये स्पष्ट है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तो अपनी दलील है, मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि कोई नए सबूत तो है नहीं, ये तो पिछले वाले सबूत है, बस फर्क इतना है कि इनकी जो वीडियोग्राफी की गई है वो और थोड़ी डिटेलिंग में की गई है। इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, सुशांत भी मेरे साथ हैं, आपको एक और सबूत दिखाते हैं, वो सबूत जो तहखाने में मिले हैं, एक मस्जिद के अंदर संस्कृति में श्लोक है और अवशेष में मूर्तियां, ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी के सर्वे में टीम को चप्पे चप्पे से चौंकाने वाले सबूत मिले। ज्ञानवापी के तहखाने में जब कैमरा आगे बढ़ा तो उन्हें दक्षिणी दीवार के एक खंभे पर कुछ ऐसा लिखा मिला कि टीम रुक गई। गौर से देखने पर पता चला कि जैसे यहां पर मौजूद किसी सबूत को चैनी हथौड़ी से तोड़कर मिटाने का प्रयास किया गया हो। इधर के तखा में छेनी हथौड़ी छेनी
हथौड़ी खम्भे पे युक्त जो है बाहर का निशान बना है, इसको पीछे की तरफ से दिखाएंगे तो किसी निशान को तोड़ने का। आम तौर पर सभी प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे होते हैं और ज्ञानवापी के अंदर भी दीवारों पर जगह जगह ऐसे श्लोक लिखे मिले। टीम जैसे आगे बढ़ी, टीम को मगरमच्छ की एक आकृति दिखी, जबकि संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक कैमरे में कैद हो गया। दीवारों पर खुदे इस संस्कृत श्लोक को टीम ने पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन अक्षर स्पष्ट न होने से ये लिखावट साफ नहीं हो सकी। दीवारों पर अंकित आकृतियों की स्थापत्य शैली को एक एक कर रिकॉर्ड में लिया गया। पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है। ये मगरमच्छ है, उस पर लिखा है देवनागरी। आ जाइए इधर देखिए, ये लिखा है संस्कृत में कुछ है। हाँ बिल्कुल, संस्कृत में है। ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर जगह जगह मलबे पड़े हुए हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इन मलबों के अंदर कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हो सकते हैं। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए, पत्थरों के बीच रखे हुए इस स्ट्रक्चर पर फूल जैसी आकृति बनी हुई है, वहीं कई मूर्ति जैसी आकृतियां भी नजर आ रही हैं। ऐसे में टीम ने एक एक चीज को बारीकी से देखा और उसे अपनी डायरी में नोट किया। इसके बाद कैमरे में एक ऐसे गलियारे का रास्ता कैद हो गया जो किसी खास तहखाने की ओर जाता है और तहखाने में गेट के ऊपर डिजाइन बनी हुई है, लेकिन इस रास्ते को पत्थर डालकर बंद कर दिया गया है। इसका पैटर्न देखिए, पैटर्न ब्रिज का डिजाइन बना हुआ है पैटर्न। दोनों तहखानों और ये सब मलबा जो है देखिए, इसमें ध्यान से बना है। दरवाजे दिख रहा है, राजेंद्र पांडे जी डिजाइन बना हुआ है यार। हां कहां तो राउंड डिजाइन बना हुआ है। ये जैसे लग रहा है गलियारा जाने के लिए हो। हाँ। वही सीन है, चार है उधर जाने का रास्ता है, उधर जाने का, जिसको बंद कर दिया गया। ज्ञानवापी के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांच टीम ने जब तहखाने के रास्ते को गौर से देखा तो पता चला कि ये रास्ता एक तहखाने से दूसरे तहखाने को जोड़ता है और ऐसे यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि चार पांच रास्ते बने हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर रास्तों को आधा या फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये जो है उस तहखाने में से इस तहखाने में जाने का इस तरह के कुछ चार पांच रास्ते हैं, सबको व्यवस्थित पाटा गया है। देखिए अंदर तक में 7 फीट तक अंदर तक। ये फोटो इस समय, हाँ ये फोटो हम लोग कम से कम 3-3.5 फीट ऊपर। आगे और अंदर बढ़ने के बाद दीवारों के हालात इतने खराब थे कि वहाँ ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि उन दीवारों के ऊपर क्या है। ऐसे में पहले दीवारों को साफ करवाया गया और फिर जो मिला वो चौंकाने वाला था। आप देख सकते हैं कि छत्र जैसी ये आकृति कैसे दीवार के अंदर दबी हुई है, वहीं उसके नीचे एक ऐसे स्तंभ का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसमें अलग अलग तरह की कई आकृतियां बनी हुई हैं। नहीं चक्र का निशान, चक्र का निशान है, ये लीजिए भैया। इसके बाद टीम यहां से बाहर निकल गई और दूसरी जगह पर कुछ और सबूत जुटाने के लिए आगे बढ़ी तो कैमरे में ये खास आकृति कैद हो गई। बाहरी दीवार पर ये आकृति सूरजमुखी के फूल की तरह नजर आ रही है और इस तरह के निशान दीवारों पर कई जगह देखे गए। इतना ही नहीं, जिस तरह से हिंदू पक्ष की ओर से लगातार ये दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी में चारों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं, सर्वे टीम को भी दीवारों पर स्वास्तिक के निशान मिले। स्वास्तिक के इन निशानों को आप देख सकते हैं कैसे दीवार पर एक लाइन से कमल की पंखुड़ियों पर स्वास्तिक बनाया गया।
इसको लाइए। एक चीज ये देखिए, कमल के पंखुड़ी पे भी स्वास्तिक है बीच वाले में, देखिए ये इसको लाइए। देखिए इधर सर, बस एक मिनट भैया, बस एक मिनट इधर। ये गणेश जी, गणेश जी ये देखिए बीच वाले जो कमल के फूल है, इसमें भी स्वास्तिक है पंखुड़ी पे। प्रतिवादी पक्ष में अधिवक्ता कहाँ है? रिकॉर्डिंग मोड है, रिकॉर्डिंग मोड में है। इसके ऊपर भी स्वास्तिक के कई निशान बने हुए पाए गए, तो नीचे भी स्वास्तिक के निशान जगह जगह बने हुए हैं। ऐसे में स्वास्तिक के एक एक निशान को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्डिंग करती टीम को आगे बढ़ने पर ये दीवार मिली, जिसके खंभों पर खास तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। ऊपर से नीचे तक कैमरे को घुमाया गया और स्तंभ पर बनी एक एक आकृति को जूम करके रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। इस तरह की कोणाकार आकृति नागर शैली में देखने को मिलती है। टीम न्यूज नेशन। और मुस्लिम पक्ष के वकील अखलाक जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अखलाक जी, ये तस्वीरें जो न्यूज नेशन पर आपने देखी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उन सबूतों को बताती हुई, साक्ष्यों को बताती हुई, जिनका जिक्र एएसआई की रिपोर्ट में है। लेकिन आप लोग रिपोर्ट मिलने के बाद, पढ़ने के बाद ये कह रहे हैं कि कोई नया सबूत ही नहीं है, क्या ये पर्याप्त नहीं है? ये बताइए, मई 2022 में जो कमीशन की कार्रवाई हुई और अब ये जो एएसआई का सर्वे हुआ, क्या इस बीच में कोई डेवलपमेंट हो गया? यहाँ पर कोई बिल्डिंग बन गई नहीं, या नया कोई पत्थर रख दिया गया, या फिर कोई कार्रवाई की गई? कोई तो जाया गया नहीं। तो जो पिछले साल मई 2022 में जो रिपोर्ट मिली, पहले वाली रिपोर्ट गलत है या एसआई वाली रिपोर्ट गलत है? भाई एक रिपोर्ट पहले आई 2022 मई में, उसमें जो फिगर्स थे, जो चित्र बने हुए थे, सिवाय एसआई ने सिर्फ उसकी नाप जोक पैमाइश लंबाई चौड़ाई मोटाई ये बताया, और वो किस चीज़ का बना ये बताया। दूसरी बात कि रिपोर्ट को जब तक पूरी 850 पेज की रिपोर्ट है पढ़ी ना जाए, तो देखा जाए ना कि वो जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है किस खंभे की दिया है, किस तहखाने की दिया है, या उनको जो जो पत्थर का फोटोग्राफ है वो कहाँ पाए गए, बाहर मलबे में पाए गए कि मस्जिद के अंदर पाए गए, ये तो जब तक हम लोग पूरी रिपोर्ट ना पढ़ रहे 850 पेज की, कैसे इसका जवाब दे सकते हैं? हाँ, तो फिर ये कहने से बेहतर है ना कि नए सबूत नहीं मिले कि पूरी रिपोर्ट को पढ़ लिया जाए, क्योंकि उसमें तो आप लोग ये भी कह रहे हैं कि साफ सफाई हुई, जो मलबा वहां पर गिरा हुआ था वो हटाने से जो मजार थी वो दिखाई देने लगी है, ये बात भी आप लोगों ने कही, तो फिर थोड़ा तो और ध्यान रखना होगा ना भाई। तो हम कह रहे हैं कि ये कैसे कह दें, एक बात बताइए कि दोनों कमीशन की कार्रवाई और एसआई रिपोर्ट सर्वे के बीच में कोई डेवलपमेंट तो हुआ नहीं वहां पे, वहां पर ये नई चीज पैदा हो गई? जो कुछ है वो पुरानी है, जब से मस्जिद बनी तब से है वहां पे। ठीक है, या तो एएसआई रिपोर्ट पे आइए या कमीशन की कार्रवाई पे आइए। ये सारी कार्रवाई, चूंकि प्लेंटिफ के पास अपने कोई एविडेंस नहीं है डॉक्यूमेंट्री जो जिससे वो साबित कर सके कि हाँ जो तो ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करने के लिए कमीशन की कार्रवाई कराई गई और उससे तसल्ली नहीं हुई तो अभी एएसआई की कराई गई, इससे तसल्ली नहीं होगी तो फिर दोबारा कराएंगे कुछ और। वो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने।